दोस्तों रोहित शर्मा ने अचानक से एक बुरी खबर सुना दी है जिसे सुनकर क्रिकेट के फैंस काफी ज्यादा मायूस हो चुके हैं। दरअसल दोस्तों ये खबर है जसप्रीत बुमराह को लेकर। आपको पता होगा कि मार्च 2023 में जसप्रीत बुमराह इंजर्ड हो गए थे और उसके बाद में उनकी पीठ की सर्जरी भी की गई थी और उसके बाद में उन्होंने काफी अच्छा रिकवर किया। लेकिन हाल ही में हुआ भी इंटरव्यू में रोहित शर्मा ने बताया कि बुमराह भी वापसी नहीं कर पाएंगे। काफी सारे लोगों का कहना था कि वर्ल्ड कप 2023 में बुमराह हमें खेलते हुए दिखाई दे सकते थे, लेकिन रोहित शर्मा ने बताया कि उनकी कंडीशन अभी भी खराब है और वो चाहते थे कि वो T20 का जो गेम होने वाला है वेस्टइंडीज के साथ में उनके साथ में आकर खेले। लेकिन रोहित शर्मा ने कहा कि उनकी वापसी अभी बहुत ही ज्यादा मुश्किल है क्योंकि उनकी चोट ठीक नहीं हो पाएगी। और आप जानते हैं कि अभी अगस्त में इंडिया वर्सेस आयरलैंड के बीच में भी मैच होने वाला है और उस मैच में टीम इंडिया की तरफ से बुमराह को भी सेलेक्ट कर लिया गया था, लेकिन रोहित शर्मा ने बताया कि उनकी फिटनेस अभी इतनी अच्छी नहीं हो पाई है कि वो फिर से बॉलिंग कर सके। बुमराह ने भारत के लिए अपना आखिरी मैच सितंबर 2022 में खेला था और उसके बाद वो बिल्कुल ही इंजर्ड हो गए थे और अब तक उनकी इंजरी ठीक नहीं हो पाई है। रोहित शर्मा ने कहा कि हमारे टीम के कई सारे प्लेयर्स चोटिल हो चुके हैं और देखना ये रहेगा कि वर्ल्ड कप में अब कौन कौन खेलने वाला है। तो दोस्तों बुमराह की इस न्यूज़ से आप खुश हो या फिर आपको बहुत ज़्यादा धक्का लगा है कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा।